तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला, कुछ लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार साइन कॉस टेन का कुछ प्रेम कहानी बहुत ही ज़बरदस्त देखें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो कहानी कैसा लगा था आपको और क्या वो आपको अभी भी कहानी याद है। अगर याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर वो याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और त्रिकोणमिति पूरे टेंथ क्लास के मैथमेटिक्स में ट्राइगोनोमेट्रिक जो होता है इससे आसान चैप्टर कुछ है ही नहीं। और हाँ, एक और राज की बात बता दें, सबसे ज़्यादा आपके टेंथ के बोर्ड के एग्जाम में इसी लेसन से क्वेश्चन रहता है, लगभग 32 से 35 नंबर तक, कभी कभी तो 40 नंबर तक क्वेश्चन पूछ देता है सिर्फ एक लेसन से। 8 और 9 दोनों को मिला करके जो होता है 40 नंबर तक का पूछ देता है। तो ये तो आपको देखना बहुत ही जरूरी बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए भी, क्योंकि त्रिकोणमिति इतनी खूबसूरत कहानी इसका लगता है ना, बहुत मजेदार। और इसमें जितना फॉर्मूला होता है ना वो आपके जहन में उतर जाएगा, यहां उतारना है, अब इस बार यहां नहीं यहां काम करना है, यहां लगेगा तो कभी नहीं भूलोगे। यहां देखो, इससे पहले एक आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, यहां से देखिए बता रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज। हम इसमें बोले हैं कि लंब कौन है, तो बोलेंगे सर आप तो बताए थे कि लंबा आदमी एकदम होगा तो यहां से लंब होगा, ठीक। लेकिन कभी कभी कंडीशन बदल जाता है, कभी कभी ये भी लंब हो जाता है। अब कहिएगा सर लंबा आदमी नीचे कैसे हो सकता है, लंबा आदमी को बोलते हैं क्या, कितना लंबा है, तो बता रहे हैं कंडीशन होता क्या है। आप देखिए, आप जहां खड़े होते हैं वहां से सामने देखते हैं तब ना देखते हैं कि कितना लंबा है, ऐसा तो होता है। अगर मान लीजिए कि यहां पे हम लोग इसको लंब क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहां से देखते हैं, अगर ए यहां पे हो तो हम पूछेंगे कि ए से आप देख रहे हैं सामने, तो सामने यही ना लंबा दिख रहा है, तो ये वाला हो जाता है लंब। समझिएगा इस बात को ध्यान से, तो सामने वाला ये तो कबो ना बदलेगा, ये तो कर्ण हमेशा ही, कर्ण दे भी नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अगर यहां से देखेंगे हम, अगर इसको हम ए रखें तो इसके लिए, इस कोण के लिए सामने वाला लंब ये वाला लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, जो बच रहा है वो आधार हो जाएगा, ये तो कभी चेंज नहीं होता है। इतना समझ में आया, जिस कोण की बात करेगा ए बी सी, अगर ए की बात करेगा तो लंब ये होगा, बी सी आपका लंब होगा और ये वाला आधार होगा, लेकिन सी की बात करेगा तो सामने वाला, सामने जिसका बात करे उसके सामने देखना है, क्योंकि लंबा आदमी को देखने के लिए सामने ही देखते हैं। कभी ऐसा सोचते हैं बाप रे बाप कितना लंबा है, नीचे ऐसा तो नहीं करते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, फिर उसके बाद से आपको समझ में आएगा। यहां देखिए, आपको एक चीज तो पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका, एक बार लंब कर्ण के साथ थी, कर्ण जो थी, उसके बाद से कॉस थीटा में क्या होता है, कर्ण तो रहेगी लेकिन दोस्तवा बदल जाएगा, कौन सा आधार हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से टेन थीटा में क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यही ना होता है। आईसी का उल्टा होता है कॉस एक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। अब उलट दो मतलब क्या, कर्ण बट्टा लंब इसका हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार इसका हो जाएगा, आधार बट्टा लंब इसका हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको जनरली फॉर्मूला पता है। यहां समझिए, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज बनाइए, ए बी सी एक त्रिभुज मैंने बनाया, वो त्रिभुज है समकोण। अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए समकोण किसे कहते हैं, बाबू किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का होता है ना, यहां पे 90 डिग्री वाले कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें बी समकोण है, जहां 90 डिग्री को बी समकोण यानी राइट एंगल है, तो बी ये है, तो यहां पे होगा ए बी सी। और कह रहा है ए बी अगर 24 सेंटीमीटर हो और बी सी, बी से सी आपका 7 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है निम्नलिखित इसका मान निकालना है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी त्रिकोणमिति में यही रूल है, हमेशा 90 डिग्री का ही ऐसे ही फिगर बनेगा, किसी भी हाल में बाबू फिगर यही बनता है, 90 डिग्री राइट एंगल समकोण त्रिभुज ही बनता है, ठीक है। और जब दो लाइन जब दिया रहता है ना, तो तीसरा लाइन निकालने का उपाय बताए थे, अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण को प्राप्त करने के लिए एक वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही वो भी शानदार कहानी, ये दोनों जुट करके आपस में जुटेगा, यानी कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको बता चुके हैं, यानी ये दोनों को जोड़ना पड़ता है। ये स्क्वायर है, जब इधर जाता है तो रूट हो जाता है, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है। अब लंब दिया है 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 का स्क्वायर, ठीक। 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए इसको पहले स्क्वायर करिए, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 2 चौका 8 दूना 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, इतना होता है, और 7 सत्ते 49 होता है। इसको जोड़िए तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 7 और 4 कितना होता है 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5, 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, कितना होता है
25, ये हो गया आपका 25। अब क्वेश्चन मेन यही है, जब तीनों हर क्वेश्चन में यही आपको काम करना है, ये दो ठो पता रहेगा, तीसरा आपको निकाल लेना। और निकालने के बाद से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए, इसी में क्या है, ये अलग है, उसके बाद से कॉस, यही ना दो ठो निकालना है। तो साइन ए, आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, वहां देखिए तो लंब बटा कर्ण, अभी मामला फंसेगा। देखिए साइन ए, ए के लिए लंब कौन होगा, आप देखिए ए यहां पे है, ए के लिए सामने वाला लंब होगा ना, तो इसके सामने क्या है 7, और कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता है बड़ा वाला, तो 7/25, ये आपको समझ में आया ठीक। अब यहां पे कॉस ए का बात हो रहा है, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आप बताइए कि कॉस ए, ए के लिए सामने वाला लंब, तो ये वाला आधार हो जाएगा, जब ए है ए के लिए सामने वाला ये लंब हो रहा है तो आधार हो जाएगा ये वाला, तो ये आधार ना होता है, तो आधार 24 है, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखिए यही पे बोल दिया है साइन सी, अब मत कहिए कि दोनों एक ही होगा सर, ये फॉर्मूला एक ही होता है, ये बात तो सही है ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन सी के लिए लंब कौन होगा, यहां से लंबा आदमी को देखो, यहां से देखोगे तो सी के लिए लंब हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, और कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता है ठीक है। उसके बाद से क्या है, कॉस सी, कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, यही ना होता है, तो सी के लिए आधार कौन होगा, सी के लिए तो लंब सामने वाला, तो आधार हो जाएगा बी सी 7, कर्ण हो जाएगा 25। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों का दोनों वैल्यू निकाल दिया, ये एक नंबर वाला था और ये दो नंबर वाला था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तो समझ में आया होगा, हम लोग देर नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा है ना, और बहुत आसान तरीका से इजी वे में सॉल्व करना है, और मजे लेके पढ़ना है, और यहाँ उतारना है, कहाँ पे, यहाँ हॉट में उतारना है। और याद रखिए, कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, तब तक बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बाबू ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, आकृति 8.3 में ये दो नंबर है या तीन नंबर है, आपको पहले दो नंबर बता देते हैं, एक मिनट ये देखिए, एक और दिमाग में फॉर्मूला अगर ट्रिक से बैठा ले रहे तो बैठा लीजिए। आप देखिए इस तीनों लाइन में 1, 2, 3 सबसे बड़ा लाइन कौन है, मान लीजिए कि ये वाला सबसे बड़ा मान लीजिए क्या है ही, उसके बाद से जो भी हो दोनों में कोई हो सकता है, वो आपके बनाने के ऊपर है, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि जानते हो रूल क्या कहता है, कि ये बड़ा वाला लाइन एक ही चीज़ कहता है कि तुम दोनों अगर मिल करके जुट करके साथ में आओगे तो क्या मेरे बराबर आओगे। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि हम बोलें कि मेरे पास 10 रुपया है, कितना रुपया है 10 रुपये है, और बोले दो लड़का है, कितना लड़का है 2 लड़का है, तो अब बता हम बोले कि तुम लोग दोनों अपना अपना पैसा मिला दोगे ना तो मेरे बराबर आ जाओगे, तो एगो के पास अगर 6 रुपये होगा तो दूसरे के पास कितना होगा कि मेरे बराबर आ जाएगा, 4 रुपये होगा कन्फर्म है। लेकिन अगर फिर इस क्वेश्चन को पलट देते हैं ठीक, और हम आपसे फिर एक क्वेश्चन कहते हैं कि मेरे पास, समझिएगा इस ध्यान से, अगर उनके पास 4 रुपया है और एगो के पास, सॉरी एगो के पास मान लीजिए 8 रुपये है और एगो के पास 2 रुपये है, और आपको एक चीज़ पता है कि दोनों छोटे लड़के के रुपये को जोड़ दिया जाए तो मेरे बराबर आ जाएगा, ये तो पता है, तो एगो के पास 8 रुपये यानी 8 रुपये और एगो के पास 2, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 10, तो बड़ा वाला यानी मेरा वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं। उसी तरीका से अगर मेरा पता हो, अभी फिलहाल पिछले वाला कंडीशन में उन दोनों का रुपए पता था तो अब मेरा निकल गया, लेकिन इस कंडीशन में हम आपको दे रहे हैं कि मेरे पास 50 रुपये है, समझिएगा, और एगो लड़का के पास 40 रुपये है, तो दूसरे लड़के के पास कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, कहिएगा 10 रुपया, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद मेरे बराबर आना चाहिए कि नहीं, ये समझ आ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करें, मेरे पास 50 रुपये था, उसके पास 40 रुपये था, तो 50 में से 40 को घटा देंगे तो 10 यानी उस छोटे वाले एक और लड़के का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, समझिएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये मिलता है, लेकिन जोड़ना कैसे है, स्क्वायर करके जोड़ना है, ये दिमाग में रख लीजिएगा ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, बड़ा वाला पता है, इसके पता है, तो इसमें से ये घटाएंगे, लेकिन कैसे, स्क्वायर करके घटाएंगे, तब जाके ये मिलेगा ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं, बताए थे आपको तीनों लाइन में तीनों लाइन पता होना चाहिए, तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दीजिए, यानी कि हमको अगर QR निकालना हो तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे। लेकिन यही अगर ये दिया रहता और ये निकालना होता तो ये दोनों को जोड़ते, क्योंकि छोटा छोटा को जोड़ने के बाद बड़ा मिलता है ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144,
यहाँ पे 169 में से 144 जगह नहीं 169 में से, तो ये 25 को रूट से निकालिएगा तो सिर्फ बचता है आपका 5, ये वाला निकल गया बस, तो तीनों निकल गया तो क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन यही ना है 10p माइनस कॉट आर, चलिए 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, वो तो आपको बता ही थे, माइनस कॉट आर बराबर कॉट थीटा समझिएगा, इसको क्या समझिएगा, थीटा के जगह पे, एंगल के जगह पे आधार बट्टा लंब। अब कहानी यहां शुरू होता है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। पी है यहां पे, क्या है पी, पी के लिए लंब कौन, इसी का ना है लंब बट्टा आधार, पी के लिए तो पी ये है, तो सामने वाला लंब होता है क्या हो जाएगा 5 बटा, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, वो तो हमेशा कर्ण रहता है, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा कर्ण रहता है, सामने वाला लंब तो एक लंब होगा तो दूसरा आधार हो जाएगा, और माइनस आर, आर के लिए आधार क्या होगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है ना, तो आर के लिए बाबू आधार क्या होगा, तो आर के लिए सामने वाला लंब, तो लंब नहीं होता है ये तो लंब होता है, तो ये वाला बच गया वो आधार हो जाएगा 5, और आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा 12, 5 में से 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 जब चला जाएगा तो बचेगा आपका 0 आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर 0 हो जाएगा, बट्टा का घटाव करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आया हो। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, और हाँ ये मस्ट VVI क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, तो यहां देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, कैसे बनेगा, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, 3 नंबर देखिए, साइन ए बराबर दिया है 3/4, आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण होता है, ये तो कन्फर्म है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये लंब बट्टा कर्ण ही है, लंब है 3 और कर्ण कितना है 4, एक त्रिभुज बनाते हैं ठीक, इसमें ये मान भरते हैं साइन थीटा का, यहाँ ए रखे, कहीं ये रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी, ए बी सी, ए के लिए लंब कौन होगा, सामने वाला होगा लंब, और ये वाला क्या होगा तब आधार हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा कर्ण, ए के लिए, आप बताइए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ए के लिए लंब कितना है, लंब है 3, कर्ण कितना है 4, ये आपको समझ में आया होगा ठीक है, क्योंकि ए के लिए बाबू लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो लंब बटा कर्ण। अब बताइए ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, तो ये निकालना है, आपको बताया था ना स्क्वायर करके इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये मिलेगा, क्योंकि ये छोटा वाला निकालना है ठीक है, याद रखिए बड़ा वाला सबसे निकालना हो तो उसमें जोड़ते हैं, दो नंबर को जोड़ते हैं यानी कि, और छोटा वाला निकालते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी घटाव करते हैं, क्या करते हैं घटाव, बड़ा में से इसको माइनस करते हैं, निकाल लीजिए ये ए बी, ए बी बराबर निकलना हो तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, तो 4 चौका 16 माइनस 3 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा 7, अंडर रूट 7 हो गया, कितना हो गया अंडर रूट 7 हो गया, अब निकल गया ना, तो हो गया आंसर यार। अब निकालना है कि जब हम तीनों लाइनें निकाल लिए तो क्वेश्चन बन गया सिंपल, कैसे, कॉस ए, कॉस ए का मान निकालना है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए सामने वाला लंब होता है, लंबा आदमी को सामने देखना है, तो आधार ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा √7, और कर्ण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साइन थीटा था आपका क्या होता है लंब, साइन थीटा लंब बटा कर्ण था, यहां देखिए उसके बाद से टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, ए के लिए लंब कौन, तो ए के लिए लंब हो जाएगा 3, और आधार कौन, तो हो जाएगा √7, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, ये भी आपको समझ में आया होगा। अरे बहुत इजी है त्रिकोणमिति, एक चीज दिमाग में रट लीजिए बाबू, रटना क्या है आपको, यानी दिल और जहन जो भी जहां फिट करना है कर लीजिए, कि हमेशा एक त्रिभुज बनेगा पूरा का पूरा लेसन में ठीक, और उस लेसन में 2 ठो दिया रहेगा, 3रा लाइन निकाल लेना है, उसके बाद से ले जाके हर एक क्वेश्चन में भरना है, जैसे कॉस थीटा था तो कॉस थीटा ये होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ए के लिए सामने वाला तो लंब होता है, तो यही ना आधार होगा और कर्ण आपका ये हो जाएगा, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम बनाए ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली बात ये है कि इस क्वेश्चन को हम लोग समझे कैसे, बात कुछ है नहीं, क्वेश्चन को समझना है, और एक चीज बता दें,
आप बोर्ड का कोई भी पेपर बाबू लेकर के देख लो, ठीक है, ये कोई भी पेपर आपसे हम कह रहे हैं कुछ भी टेंथ का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिए। ये क्वेश्चन हर साल रहता है, भले नंबर चेंज कर देगा, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 15 cot A = 8। अगर हमको देता ना ऐसे cot A = 5/2 तो हम आराम से बना सकते थे। कैसे? cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में लंब, तो हम कहते सर ऊपर वाला आधार है नीचे वाला का है लंब है, इसी में बना सकते थे, क्योंकि इसमें कर देते किसी न किसी को, अगर इसको ए मान रहे थे, इसको बी, इसको सी, तो ए के लिए सामने वाला लंब तो ई वाला आधार हो जाता, और आधार कितना है 5, तो लंब हो जाता ये सामने वाला लंब 2, तो जब 2 लाइन पत रहेगा तो तीसरा हम निकाल लेते, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा। लेकिन इस बार ये नहीं है, इस बार ऐसे है, क्वेश्चन यहाँ पे है, तो कुछ नहीं करेंगे, इस रूप में बदल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस कुछ नहीं छिपा है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा cot A = 8, ये नीचे ढकेल देगा तो हो जाएगा 15, तो हो जाएगा cot A = 8/15। तो इसी पर देखिए तो सही, एक बार देखिए तो सही, बहुत आसान है। कैसे? चलिए ए मान, बहुत लोग इसको ए मानते हैं, तो नॉर्मली यही लंब हो जाता है ABC। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे में लंब, यानी कि बेस और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी इसको एक और तरीका से B/P लिख सकते हैं। यहां देखिए A के लिए आधार, तो A के लिए सामने वाला लंब होता है, क्या होता है लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार। अब कहेगा सर ये क्यों नहीं बदलता? अरे वो कर्ण है ना, उनका राज चल रहा है, आरक्षण है, ठीक है, तो ये तो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए 8, तो आधार क्या है, आधार 8 है, तो ये हो जाएगा आधार की जगह हम 8 लिख देते हैं और ये लिख देते हैं लंब 15, ठीक है। जब आधार और लंब पता है तो बड़ा वाला लाइन निकाल लीजिए, दोनों छोटा वाला को जोड़िएगा तो बड़ा वाला मिलेगा, यानी कि अगर AC निकालना है तो 8 square और प्लस 15 square करके जोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो बड़ा प्यारा कहानी बताएं, देख लीजिएगा 8 × 64 प्लस 15 नहीं पता है तो गुणा कर लीजिएगा, 225 होता है, और ये जोड़िए 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये 2। 289 को रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना होगा, मे बी रूट से बाहर निकालिएगा तो 17 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, रूट से बाहर निकाल के आप देख सकते हैं। अब क्या बोला, ये तीनों लाइन निकल गया कि नहीं, जब तीनों लाइन निकल जाए ना तो बस समझो बन गया, साइन ए निकालना है, साइन ए, फिर क्या निकालना है सेक ए, यही ना करना है यार, देखो इधर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ए के लिए लंब कौन, ए के लिए सामने वाला लंब, तो हो जाएगा लंब 15, कर्ण कौन, क्योंकि साइन निकालना था, कर्ण तो कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकता है, वैसे ही सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, ट्रिक बताएं, एक नाम आता है बहुत लंबा कॉसेक, आपके पूरे त्रिकोणमिति में जो साइन जो 6 मेंबर है साइन कॉस टेन कॉसेक, तो कॉसेक जो नाम आता है ना, तो देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण, आप फॉर्मूला में देख लीजिएगा उसके बाद से क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, सेक के लिए कर्ण तो हो जाएगा 17 ही, ए के लिए आधार कौन, सामने वाला ही हो गया, तो पास में जो रहता है वो आधार है, पास में क्या है आधार है, तू ही तो मेरे जीने का आधार है, तो जो पास में रहता है वही ना पास में जीने का आधार हो जाता है, तो वही बात है, हमेशा पास में जिसका बात करेगा उसके पास वाला जीने का आधार होता है, याद रखिएगा ये आधार होता है, तो ये हो जाएगा 17/8। तो ये आपको समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस तो दोनों का वैल्यू निकल गया, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये आसान दिया है, ये भी बना सकते हैं, आप कहे तो इतना मिटा के इसी पर बना देंगे, कुछ नहीं करना है, इसको मिटाओ, अब मिटाने वाला भी आपको सिखाना थोड़े पड़ेगा, आपको तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ ABC लिख दीजिएगा, यहाँ थीटा लिखा है कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कि ऊपर वाला कर्ण होता है नीचे वाला आधार होता है, तो ऊपर वाला कर्ण मतलब 13, इसी को तो कर्ण बोलते हैं ना, और आधार, आधार आप इसी को ले लीजिएगा, इसको आप क्या लीजिएगा हम यहीं से देखेंगे, तो आधार ले लीजिए, किसी को लीजिएगा वो आपकी मर्जी है,
जब दो लाइन पता हो तो तीसरा निकलेगा, बड़ा वाला पता है तो बड़ा वाला जब भी पता हो तो बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटा दो, ये निकल जाएगा। उसके लिए स्क्वायर करके घटाते हैं। तो उपाय क्या है, ए बी अगर निकालना हो तो 13 का स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा देते हैं। 13 13 एक 6 9 12 12 144, ये घटाने पर आएगा 9 में से 4 जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका ये 2, 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का गुणा कितना होता है 5। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, हो तो त्रिकोणमिति के अनुपात सभी होना चाहिए, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को परिकलित कीजिए यानी लिखिए। अब त्रिकोणमिति में कितने अनुपात हो, त्रिकोणमिति में नाम आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद से क्या होता है कॉट थीटा, यही ना है जी, साइन कॉस टेन, ये तीनों एक ग्रुप का और ये तीनों एक ग्रुप। बताइए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, एक बार लंब कर्ण के साथ रहेगा, एक बार कर्ण के साथ कौन रहेगा, आधार का भी शौक है ये भी रखेगा, ठीक है, बाद में दोनों दोस्त ये कर्ण से कर्ण खत्म हो जाता है, अब बचता है लंब बट्टा आधार, इतना तो हो गया। फॉर्मूला भरिए, लंब क्या है थीटा के लिए, लंब हो जाएगा 5, कर्ण क्या है 13, तो 5/13 इसका आंसर हो गया, आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13, उसी तरह लंब क्या है बाबू, लंब है 5 और आधार है आपका 12, इतना समझे। इसे तीनों का उल्टा यानी पलट दीजिए तो ये तीनों हो जाता है, तो कौसे का हो जाएगा 13/5, इसका क्या हो जाएगा 13/5, सेक का हो जाएगा 13/12 और टेन का हो जाएगा 12/5, ठीक है, इसी का उल्टा होता है ना, सेम टू सेम एकदम पलट दो। तो ये आपको 4 और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अरे समझ में आएगा ना, है ना, हम जब हम हैं तो क्या गम है, आपको मैथमेटिक्स की रूह को छूना है, इतने करीब मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। और बिना देर की हम लोग, देर करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, है ना जी, देर और लेट दोनों एक ही चीज़ होता है। एनीवे बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए लड़का सब कन्फ्यूज रहता है कि ये सिद्ध करने वाला, पहले सिद्ध करे, सिद्ध करने वाले क्या, बाप रे बाप अजीब सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाले देख कर टेंशन हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। जिस दिन क्वेश्चन के रूह को छू लोगे ना, क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाएगी ना, टेंशन मत लो, सब बन जाएगा। यहां देखो, यदि ए और बी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, अब न्यून कोण क्या होता है, तो सबसे पहले बताए थे त्रिभुज तो यही बनेगा। आप खुद देखिए बाबू, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक सीधा लाइन पर ऐसे ऊपर सीधा लाइन अगर लंब गिरे तो यहाँ जो भी ऐसे जगह बनता है, कोण बनता है, ऐसे उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। अब बताइए कि ये तो ऐसे बन गया, ये वाला कोण और ये दोनों कोण, ये कुछ अंतर दिख रहा है, देखिए ये दोनों कोण इससे छोटा है कि नहीं, ये पूरा फैला हुआ है और ये छोटा थोड़ा सा कम फैला हुआ है, यहाँ पे कम फैला हुआ है। तो जब छोटा कोण होता है ना, 90 से छोटा हो, 90 से क्या हो, छोटा हो, तो उसे न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ये दोनों न्यून कोण है और उसी का नाम है ए और बी, इसका मतलब कि न्यून कोण जो है उसी को ए और बी रखना है, समझ में, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तो ए बी और ये क्या हो जाएगा तब सी हो जाएगा। और कह रहा है कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो साबित कीजिए कि दोनों कोण जो छोटा वाला है दोनों बराबर है, यही साबित करना है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमको क्या है दिया हुआ है, गिवेन में दिया है, ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, आप कुछ मत करो बाबू, एक काम आपसे रिक्वेस्ट है, काम क्या करना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर ये भी क्या होता है, आप कहिएगा सर थीटा क्यों बोले, अरे यहाँ थीटा ही होता है, अब ए और बी लिख दिया है तो अब तो आदत सा हो गया ना थीटा बोलने का, आधार बट्टा कर्ण हो गया। अब बताइए ए के लिए आधार कौन है, ए के लिए सामने वाला तो लंब होता है तो आधार हो जाएगा ये ए सी, अब बट्टा कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा, ए बी होगा बराबर कॉस बी, बी के लिए आधार कौन है, तो B के लिए सामने वाला लंब होता है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार बी सी, अब बट्टा में कर्ण तो वही रहेगा ए बी, ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, बच गया ए सी बराबर बी सी, हाँ हो गया साबित हो गया। आप कहिएगा सर हमको लाना है A बराबर बी, आप लाए हैं ए बी, यहाँ देखिएगा ए सी, ए सी अब बराबर में क्या बी सी, ये दोनों लाए हैं, हमको तो कोण लाना है ना। तो एक चीज आपको थोड़ा सा साफ साफ समझा दे रहे हैं बाबू, यहाँ समझिएगा ऐसे है ना,
ABC। जब किसी भी त्रिभुज में अगर दो रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, अगर दोनों लाइन बराबर है तो इसके सटे जो ये कोण होता है, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। तो बताइए कि ये लाइन और ये लाइन बराबर आ गया कि नहीं, AC बराबर BC ये आ गया, तो इसीलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार एंगल A बराबर एंगल B। अब यहाँ कारण लिखना पड़ेगा, जब किसी, वो आप खुद लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, जब किसी त्रिभुज की दो रेखाएं आपस में बराबर होती है तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर होता है। अगर ये तीनों लाइन बराबर होता ना तो तीनों कोण आपस में बराबर होता, अगर कोई लाइन आपस में बराबर नहीं होता तो कोई नहीं बराबर होता। सिंपल फंडा है, जब दो बराबर है तो ये दो को बराबर होगा, अगर तीनों बराबर होता लाइन तो तीनों कोण भी बराबर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ दो ही लाइन बराबर है इसलिए दो लाइन बराबर तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ये बहुत ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स के रूह कुछ होना है ना, तो देर नहीं करें, क्योंकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, नहीं देर वाली बात नहीं, इसलिए देर वाली बात नहीं क्योंकि मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन एक बार में पढ़िएगा ना तो बाउंस मारेगा, तीन तल्ला ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो बाउंस नहीं मारे, डायरेक्ट दिमाग में जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, ऊपर से जाएगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर को नहीं एक्सरसाइज को, प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। तो और शानदार लगा हो ना तो एक बार लाइक के बटन को जरूर दबाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।